या चलिए दोस्त, आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लाया, 1 मिनट ब्लॉग। इसका टॉपिक है कवर ब्लॉग। देखिए दोस्त, आमतौर पर हमारी कंक्रीट जहाँ पे हमारी हम स्लैब बनाते हैं, कंक्रीट और रेनफोर जहाँ करते हैं, वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेंगे, सीमेंट का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ। खासतौर पर आमतौर पर सीमेंट का कंक्रीट का बना हुआ रहता है। इसका नाम है कवर ब्लॉक, आमतौर पर कवर ब्लॉक। इसका दूसरा नाम है कवर स्पेशर। जो इसका मुख्य काम जो है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट में जब रीइंफोर्स डालते हैं, उसका स्पेस देने के लिए, ये है 2.5 mm का स्पेस, इसको लगातार स्पेस देने के लिए। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं दोस्त मैं आपको बताऊं। और उससे पहले मैं ये बताऊंगी, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 mm का गैप बनाएंगे, और ये 30 लिखा है, मतलब यहाँ से ग्राउंड से इस लेवल से यहाँ तक 30 mm का गैप बनाएंगे। तो ये है। और इस कवर ब्लॉक का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताऊँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये पहला फ़ायदा ये जो है, ये कंक्रीट जब हम ऊपर से इसे इसमें डालेंगे तो कंक्रीट आराम से हर जगह पहुंचनी चाहिए, इसके लिए ये दूरी बनाए हुए है। तो ये इसका कंक्रीट फ्लो अच्छे से अच्छी तरह से होने के लिए। और दूसरा है, जब हम लंबे तौर पे देखेंगे तो ये बीचों बीच एक बीम से दूसरे बीम के बीच में ये रीइंफोर्स जो है, आयरन का जो प्लेट, ये थोड़ा सेक हो जाएंगे, थोड़ा से नीचे झुकेंगे। वो झुकने से बचने के लिए हम ये सब कवर ब्लॉक बनाए हुए, ताकि ये सेग ना हो। ओके, नंबर 3 है, ये कोरोजन ना हो। ये जब ये आयरन और स्टील की जो हम प्लेट डाल रहे हैं, तो इसको एकदम सीमेंट कंक्रीट दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, ना कि इसका एक साइड सिरा जो है ओपन ना रहे। अगर ओपन रहेंगे तो ये जल्दी जंग लग जाएंगे और ये कोरोजन हो जाएंगे। सो इससे ये जो सीमेंट से पूरी तरह से ना ढकने के कारण ये उसमें जंग लगेगा, और ये जो हमारी कंक्रीट जो है, इसका लाइफ स्पान कम हो जाएंगे। और दूसरा चीज़ है स्पेसिफिक डिस्टेंस, ये जो दूरी है हर जगह पे, ये हम आमतौर पे हम लोग ने इस हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में रखा है, ये 30 mm। तो ये 30 mm की जो गैप है वो हमेशा बरकरार रखेंगे। तो इसके जो थिकनेस है वो 30 mm है, तो ये 30 mm का हमेशा थिकनेस बरकरार रखने के लिए है। और नंबर 5 में है, ये थर्मल इंसुलेशन। जब ऊपरी तौर पे जब धूप नीचे धूप गिरेंगे इसके ऊपर में, हमारे इस कंप्लीट इसके ऊपर में, तो उसमें धूप जो है एक हीट है, तो वो जब ये आमतौर पे इसका जो थिकनेस अगर मेंटेन रहेंगे, तो इसका धूप थर्मल इंसुलेशन जो बरकरार तौर पर रहेंगे। और दूसरा है, ये इसमें जंग ना लगे ऊपरी तौर पे और नीचे तौर पे, इस पर जंग ना लगे, इसके लिए कंक्रीट ब्लॉक की अच्छी तरह से इस्तेमाल अगर कोई करेंगे तो अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो मेरे पास है 2 टाइप के कंक्रीट ब्लॉक, तो ये 2 कंक्रीट ब्लॉक आपको क्वालिटी कंक्रीट स्लैब देंगे। तो आप एक बार चारों तरफ देखिए, हम लोग ने हर जगह पर स्लैब डाला हुआ है, ताकि इससे हमारी कंस्ट्रक्शन में इसका क्वालिटी मेंटेन हो पाए। सो विद दिस दोस्त, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी एक 1 मिनट का वीडियो। थैंक यू।